वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई एम दीप्ति योर फ्रेंड। आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे होंगे। गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद और आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने प्रोडक्ट रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है और आज मैं सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट का रिव्यू करने आई हूँ जो है लिपस्टिक्स। यस गाइस, मार्केट में बहुत सारे टाइप की लिपस्टिक्स आपको 3000 की लिपस्टिक, 5000 की लिपस्टिक, 300 की, 400 की, 500 की, हर रेंज में लिपस्टिक मिल जाएगी। लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेंड कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दीप प्लीज बताओ, आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, आपको नॉलेज होगी इस बारे में, तो आप क्या बता सकते हैं कि इनसाइड की लिपस्टिक हम लॉन्ग टाइम वेयर कर सकते हैं कि नहीं, और उनको लिपस्टिक को वेयर करने को लेके डाउट भी था। तो आज के वीडियो में मैं आपको इनसाइड की लिपस्टिक के रिव्यू भी दूंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक को आप लॉन्ग टाइम वेयर कैसे कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तब भी किसी किसी की आदत होती है लिपस्टिक खा जाने की, मेरी भी है चिल, तो आप कैसे अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग टाइम वेयर कर सकते हैं। मैं कोई किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सैंपल ऑर्डर किए थे कि मतलब एक में उतना समझ में नहीं आता है अपन को, इसलिए एक मैंने ऐसा शेड ऑर्डर किया था जो नॉर्मली मिल जाता है अपन को, रेड कलर, और एक ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में ये मैंने ऑर्डर किया था। ये मैं आपको नंबर बता देती हूँ, ये रेड कलर का है और इसका नंबर 02 है और इसका नेम है रेड अलर्ट। एंड ये दूसरा जो लिपस्टिक है इनसाइड का, ये नंबर है 14 शुगर प्लम। मेरे पास प्योर रेड लिपस्टिक नहीं तो मुझे लेना था, खत्म हो गई थी मेरी, तो मैंने एक प्योर रेड ऑर्डर की ताकि मुझे एग्जैक्टली पिगमेंट के बारे में यानी कलर के बारे में पता चल सके कि इसका कलर अच्छा है कि नहीं, क्योंकि रेड ऑलमोस्ट सबके पास रहता है और अपन जज कर सकते हैं कि हाँ इसके कलर से हम सेटिस्फाइड है। तो मैं आपको ये अपने पहले हाथ पे बता देती हूँ गाइस, बहुत ही ग्रीनी और ऐसा एप्लीकेटर मिलेगा आपको। और गाइस एक प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहिएगा गाइस, नॉन ट्रांसफर लिप कलर, इनने मेंशन किया ये नॉन ट्रांसफर लिप कलर है। तो गाइस देखते हैं क्या है इसका। माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा पिगमेंट है इसका। सॉरी गाइस फॉर ये फोकस नहीं हो रहा है, बट ये देखिए। देन दूसरा शेड शुगर प्लम, ये मेहंदी इग्नोर करना, मेरी बहन प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा लग रहा है, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनको तो पता ही होगा इनका रेट क्या है, इसलिए क्यों ये बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये इसका रेट है ओनली 75 rupees ईच। और गाइस मैंने लिटरली मेरे को इसके लिए कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगी जब मैंने ऑर्डर किया था। 150 में ये दो, सिर्फ और सिर्फ 150 में दो लिपस्टिक शेड्स मिल गए हैं। और गाइस मैं इनको दम से यूज किया है, मैं आपको बता दूं। और ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ऐसे मत हुई इन्हें पहली बार खोला लगाया अप्लाई किया और बहुत अच्छा लगा, नहीं गाइस, इनको मैं आधा आधा बॉटल खत्म कर चुकी हूँ तब मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। और मैंने अच्छे से दम से इसको बिल्कुल लगा करके खाया पिया, बहुत टाइम तक वेयर भी किया, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। और गाइस मेन चीज ये कि आप इस लिपस्टिक को सिर्फ नॉर्मली अपने ऐसे लगाया आपने और छोड़ दिया और आप सोचो कि यार हम खा पी रहे हैं और ये लॉन्ग तक चले, तो गाइस ऐसी कोई सी भी लिपस्टिक नहीं चलेगी। लिक्विड लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। और सिर्फ ना ही इसी ब्रांड के लिए, आप किसी भी ब्रांड के लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, आप मैक हुडा भी यूज कर रहे हैं तभी चलेगा, इनसाइट लैक्मी यूज कर रहे हैं तभी चलेगा, ब्रांड डजंट मैटर, आप कैसे उसे लगाते हैं ये मैटर करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमने एक बार लिपस्टिक लगा ली तो वो लॉन्ग टाइम तक वेयर करे, हमें बार बार उसको लगाना ना पड़े। हमेशा ऐसी जगहों पे नहीं रहते हैं कि हमने बस निकाला और लगे बस अब चालू हो गए तो पता चला यहाँ के अंकल हमको देख रही है, वहाँ की आंटी बोल रही है तो भी तो मुझे लड़की तो देख रही है लिपस्टिक लगा के, बस इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो ठीक है चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज अभी जो स्वेचेस लिए थे अपन ने दोनों लिपस्टिक के, उसके ऊपर मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ और अपने फिंगर से ऐसे रिमूव करके देख रही हूँ कि वो रिमूव हो रहे हैं कि नहीं। देखिए गाइज वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, और एक बार में नहीं, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं कर रही हूँ, मैं आपको तेज भी करके दिखाती हूँ। देखिए
बिल्कुल भी इतना सा भी मेरे हाथ में नहीं आया है ये ट्रांसफर लिपस्टिक। ये देखिए मैं तेज करके भी दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं आया है कलर, थोड़ा सा भी नहीं आया। तो गाइज देखिए लिपस्टिक कितनी ज्यादा अच्छी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड लिपस्टिक किसी भी ब्रांड की अपने लिप्स पे कैसे अप्लाई करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले। सबसे पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट करें कोई भी लिप बाम वैसलीन लगा करके, और लगाने के बाद तुरंत ही लिपस्टिक एप्लीकेशन स्टार्ट ना करें, 5 मिनट तक वेट करें, उसके बाद अपन लिपस्टिक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्सिंग प्लेट पे निकाल ले रही हूँ। मैं ये आपको अलग से करके दिखा रही हूँ, आप जब अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाएं तभी आप ब्यूटी ब्लेंडर से सेम अपने लिप्स पे भी फाउंडेशन को लगाएं। फाउंडेशन को लगाने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, आपको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा पानी में गीला करके उसे अच्छे से स्क्वीज करके एक्सेस वाटर निकाल देते हैं, एक टॉवल पे डैब डैब कर देते हैं ताकि उसका एक्सेस वाटर निकल जाए, देन उसे यूज करते हैं। फिर मैं अपने लिप्स पे अच्छे से फाउंडेशन लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं फेस पाउडर से इसे अच्छे से लॉक कर रही हूँ। फेस पाउडर से अच्छे से लॉक करने के बाद जो आप नॉर्मल लिपस्टिक्स यूज करते हैं, यानी लिपस्टिक्स की बात कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या फिर आपके पास लिपस्टिक पैलेट है, जो भी लिपस्टिक है उसे आप एज अ बेस लगाएंगे। और गाइस जिस कलर की लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं उसी कलर का बेस कलर लगाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर लिक्विड लिपस्टिक ऊपर से निकल जाए तो अंदर एक बेस रहे, ताकि अलग से खाली ना दिखाई। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। गाइस देखिए अच्छे से मैंने लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है, अच्छा सा वी शेप भी दे दिया है फ्रंट से, और अच्छे से मैंने लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक को मैं ले रही हूँ रेड अलर्ट लिक्विड लिपस्टिक को, आपको सेम वैसे ही अपनी लिप्स पे अप्लाई करना है जैसे आपने ड्राई लिपस्टिक को अप्लाई किया था। शेप के अकॉर्डिंग आप अच्छे से लिपस्टिक को अपने लिप्स पे लगा लें, और यस यू आर डन। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। गाइज ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, मैं किसी भी पार्टी में जाऊँ 3 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, कभी भी मेरी लिपस्टिक रिमूव नहीं होती और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ऐसा आप किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक के साथ कर सकते हैं, चीप से चीप और ब्रांडेड से ब्रांडेड लिपस्टिक आपको ऐसे ही लगानी है ताकि वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चले। आप कुछ भी खा लें पी लें, बहुत ही लंबे टाइम तक ये लिपस्टिक चलती है अगर आप इस तरीके से लगाएं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी रिव्यू वाले वीडियोस बनाऊं, जस्ट लाइक मैंने ये अभी फाउंडेशन यूज किया, कौन से ब्रांड का फाउंडेशन या फेस पाउडर मस्कारा आईलाइनर सब लेकर के बैठी हूँ गाइस मैं, यहाँ पे पूरा मेजडा पे पूरा, और बस मैं ऐसे बैठ कर क्या शूट कर रही हूँ, मम्मी आगे तो डांटे। तो गाइज अभी मैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं रिव्यू करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब चीज़ों का रिव्यू करें तो कमेंट कर लो, और मुझे जल्दी से बताओ कि आपने इन साइड की लिपस्टिक खरीदी कि नहीं, आपको कैसी लगी। और गाइज सिर्फ 75 रुपीज़ में मैं इसको 100 out of 100 दूंगी। गाइज बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, अभी भी मैंने लगाई है, मुझे बहुत लगा, मैं जाके पिक्स क्लिक करूँगी। हाँ तो गाइज, और अगर आपको ऐसे कोई पर्सनल स्पेशली अभी गपशप होगी, मैं अगर आपको स्किन केयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों की रेमिडीज़ बताई हैं। और अगर आप नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसे पर्सनल इशूज़ हैं जो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैंने सबका रिप्लाई किया, कोई नाक मुँह नहीं सड़ाएगा, मैंने सबका रिप्लाई किया। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आई लव यू, और थैंक यू सो मच गाइज, मुझे रिव्यू करके बहुत ही बाकी में बहुत मजा आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और सब घर पे ही रहे कोरोना से बच के, नहीं तो वो पता ही क्या करेगा, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।